ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ आज आपके सामने बुध ग्रह के बारे में कुछ जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ कि किस तरीके से हम अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कलर थेरेपी का यूज़ करके। पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कि कलर थेरेपी का यूज़ करके हम छोटे छोटे जो टिप्स हैं कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं या कैसे उन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपने ग्रहों को बिना स्टोन पहने ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह को हमारी कुंडली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल मिला हुआ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही शुभ ग्रह है और जिसकी दशा हमारी कुंडली में 17 वर्षों के लिए आती है। बुध ग्रह को हमारी कुंडली के अंदर व्यापार का कारक माना गया है। बुध ग्रह को बुद्धि से रिलेट किया जाता है, क्योंकि जितनी भी बुद्धि से रिलेटेड कार्य होते हैं वो बुध की कृपा से ही होते हैं। बुध ग्रह को धन का कारक माना गया है। बुध जो रिलेट करता है वो हमारे स्किन से भी रिलेट करता है। बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा रंग है। तो हम किस तरीके से अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कलर थेरेपी का यूज़ करके। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बुध ग्रह का स्टोन पन्ना रेकमेंड किया हुआ है और आप किसी भी वजह से अभी वो स्टोन नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो कलर थेरेपी का यूज़ करके आप कौन कौन से ऐसे टिप्स अपनाएं जिससे आपका बुध ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना बुध का पहला उपाय। आप सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए और उसको थोड़ा सा दबाने के बाद जो उसका रस निकलता है अपने हाथ की जो स्मॉल सबसे लिटिल फिंगर है उसके इस पोर्शन पर वो रस को लगा लीजिए, क्योंकि जो ये हमारे हथेली का जो ये वाला स्थान है ये हमारा बुध का स्थान है और हमारी कुंडली में जो बुध का जो रंग है वो हरा माना गया है और तुलसी का जो रंग है वो भी हरा माना गया है और तुलसी को कारक भी बुध का ही माना गया है। दोनों का रंग हरा होने की वजह से आप इसको कलर थेरेपी के अंदर ला के अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, संडे के दिन आपने ये उपाय नहीं करना है। अगर पूरे विश्वास के साथ अगर यह उपाय आप रोज़ करते हैं तो आपको बुध के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दूसरा उपाय, आप एक धागा ले लीजिए ग्रीन कलर का, जो कॉटन का हो सकता है, जो रेशम का हो सकता है या ऊन का भी हो सकता है। किसी भी टाइप का आप गले के अंदर धागा डाल लीजिए किसी भी बुधवार के दिन, उससे भी आपका जो बुध ग्रह है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप धागे के अलावा कुछ गले में माला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेडीज़ जो भी यूज़ करना चाहें। आप हाथों में ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तीसरा उपाय मैं बताने वाली हूँ कि आप ग्रीन कलर की एक कांच की बॉटल ले लीजिए और उसमें पानी पीना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका जो बुध ग्रह है धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में कर्टन यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कलर के, अपने घर में बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, कुशन कवर ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, कारपेट यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आपको अपने आसपास ग्रीन नज़र आती हैं आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग आप अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ में हमारा जो ज़्यादातर समय है हमारे ऑफिस में या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर बीतता है, तो इन कलर थेरेपी का यूज़ करके हम वहाँ पर भी अपने बुध ग्रह को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हैं और आप अपनी चेयर का कलर जो ग्रीन ले सकते हैं, अगर चेयर का कलर ग्रीन नहीं ले सकते तो आप उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का टॉवल डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप एक छोटा सा कुशन अपने बैक में रख सकते हैं जिस पे ग्रीन कलर का कवर आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर का आप वहाँ पे पेन स्टैंड लगा सकते हैं, जो पेपर वेट होता है आप वो ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर के पेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वैसे ग्रीन कलर का जो पेन है उसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन आप अपने बुध को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन कलर के पेन से दिन में 5 बार 10 बार जितनी बार आप अपना नाम लिख सकते हैं उस पेन से अपना नाम लिखना शुरू कर दीजिए किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर। इससे भी आपके बुध को थोड़ा सा बल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं वो किस किस रूप में ज़्यादातर अपना बुध स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं। जितना आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे आपका जो बुध है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बात करी है बुध ग्रह के बारे में कि किस तरीके से कलर थेरेपी का यूज़ करके हम अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका यूज़ आप अपनी लाइफ में लाने के बाद आप बिना स्टोन धारण किए हुए अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।